तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे तो आज हम एक मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक एनिमेटेड अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसका नाम है डिस्पैकेबल मी फॉर दोस्तों मैं आपको बता दूँ डिस्केबल डिस्पीकेबल मी फॉर एक दो हज़ार चौबीस की अमेरिकन एनिमेटेड मूवी है जिसका निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर और इमिनेशन द्वारा किया गया है दोस्तों इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यूनिवर्सल द्वारा किया गया है दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करेंगे इससे पहले इसके तीन पार्ट भी आ चुके हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसके डायरेक्टर के बारे में इनके जो बजट है उसके बारे में इसकी रिव्यू करेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे कि आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए इसमें कौन कौन से कास्ट हैं इसका बजट क्या है कुल मिला के इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ सब कुछ मूवी के बारे में डिटेल हम जानने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा यह यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक हमें शेयर कीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि इसका निर्देशक क्रिस नॉड है माइक द्वारा लिखित है और इसमें स्टीव कैरल क्रिस्टिन विंग और पियरे कॉफ इन किंग मिड गेदा कैसे वाला सोफी वाला कहा तो दोस्तों ये तो रहेंगे ये बाकी हम डिटेल और जानते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं डिस्पिकेबल मी चार की अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स और इल्यूमिनेशन द्वारा किया गया है और यूनिवर्सल द्वारा वितरित किया गया है यह डिस्पिकेबल मी तीन दो का सीक्वल है जो कि चौथी मुख्य किस्त है और डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइजी में छठी समग्र किस्त है फिल्म का निर्देशन क्रिस रेनॉर्ड ने किया है सहनिर्देशक पैट्रिक डेलाज अपने फीचर निर्देशन में पहली बार निर्माता क्रिस मेलेंड्री और ब्रेट हॉफमैन और लेखक माइक वहाइट और किन डोरियो है इसमें स्टीव कैरेल क्रिस्टन वाइग पीरे कॉफिन जॉय किंग मिरांडा कॉसग्रोव स्टीव कूगन सोफिया वर्गीज स्टीफन कोलबर्थ रेनॉड, मेडिसन पोलन डाना गेयर क्लोफाइनमैन और विल फेरेल की आवाजें हैं फिल्म में ग्रू कैरेल और उसके परिवार जिसमें अब ग्रू जूनियर भी शामिल है को मैक्सिम लेमाल फेरेल से छिपने के लिए एक सुरक्षित घर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया जाता है जो ग्रु का एक पुराना सहपाठी और प्रतिद्वंद्वी है जो अपनी प्रेमिका वैलेंटिना वर्गारा के साथ बदला लेना चाहता है उसी समय नए पड़ोसियों में से एक पोपी प्रेस्कॉट किंग ग्रू को अपने पुराने स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद करने पर आमादा है सितंबर 2017 में चौथी मुख्य डिस्पिकेबल मी फिल्म पर काम शुरू हुआ फरवरी 2022 में इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई जिसमें रेनॉड, डेलेज और व्हाइट क्रमशः निर्देशक सहनिर्देशक और लेखक के रूप में जुड़े जून 2022 तक उत्पादन शुरू हो गया था जनवरी 2024 में अधिकांश मुख्य वॉयस कास्ट की घोषणा की गई जिसमें हॉफमैन और डोरियो क्रमशः सहनिर्माता और सहलेखक के रूप में सामने आए हेटर परेरा और फेरेल विलियम्स पिछले किश्तों से क्रमशः स्कोर बनाने और मूल गीत और थीम लिखने के लिए लौटे डिस्पिकेबल मी चार का प्रीमियर 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क शहर के जैज एट लिंकन सेंटर में हुआ इसे ऑस्ट्रेलिया में 20 जून को और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 जुलाई को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 240 मिलियन डॉलर की कमाई की कथानक एंटीविलेन लीग एवीएल एजेंट फिलोनियस ग्रू अपने स्कूल लीसी पासबॉन में एक पुनर्मिलन में भाग लेता है जहां वह अपने प्रतिद्वंद्वी मैक्सिम लेमाल के साथ फिर से मिलता है जिसका ग्रू के साथ झगड़ा है क्योंकि उसने बचपन में उसके टैलेंट शो के एक्ट को चुरा लिया था मैक्सिम ने खुलासा किया कि उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए कॉकरोच के अंगों से खुद को मजबूत किया है और इसलिए वह दुनिया को जीत सकता है लेकिन ग्रू ने एवीएल की मदद से उसे गिरफ्तार करवा दिया है मैक्सिम जेल से भाग जाता है और अपने आविष्कार का खुलासा करता है जो लोगों को मानवरोच संकर में बदल देता है जिसका उपयोग वह विशेष रूप से ग्रू के जैविक शिशु बेटे फेलोनियस ग्रू जूनियर पर करने की योजना बना रहा है सिलास राम बॉटम ग्रू परिवार से मिलने जाता है और उन्हें मैक्सिम के भागने की सूचना देता है और एवीएल को ग्रू परिवार को नई पहचान के साथ दूसरे शहर में एक घर में स्थानांतरित करना होगा अधिकांश मिनियन एवीएल द्वारा ले लिए जाते हैं जहां सिलास उनमें से पांच को चुनता है डेव मेल गस टिम और जेरी जिन्हें मेगामिनियन नामक एक पहल के तहत शक्तियां प्रदान की जाती है लेकिन समूह द्वारा शहर में नुकसान पहुंचाने के बाद पहल को बंद कर दिया जाता है अपने नए संपन्न आवासीय शहर में ग्रू और उसका परिवार अपने पड़ोसियों प्रेस्कॉट्स और उनकी बेटी पोपी से मिलते हैं पोपी एक महत्वाकांक्षी खलनायक ग्रू को उसके खलनायक के रूप में पिछले करियर से पहचानती है और धमकी देती है कि अगर वह उसे लीसी पास बॉन के शुभंकर लेनी नामक एक हनी बेजर को चुराने में मदद नहीं करता है तो वह उसका पर्दाफाश कर देगी ताकि उसे वहां नामांकित किया जा सके यह जोड़ी तीन मिनियन और ग्रू जूनियर की मदद से स्कूल से लेनी को सफलतापूर्वक चुरा लेती है स्कूल के प्रिंसिपल उबेल शलेच ने सुरक्षा कैमरे के फुटेज के माध्यम से ग्रू की पहचान की और लेनी के कॉलर में लगे ट्रैकर का उपयोग करके ग्रू के ठिकाने के बारे में सूचित करने के लिए मैक्सिम से संपर्क किया अगले दिन जब ग्रू और लूसी प्रेस्कॉट्स के साथ टेनिस अभ्यास के लिए गए हुए थे प्रिंसिपल उबेल शलेच घर पर लड़कियों से ग्रू के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए आए मार्गो द्वारा बुलाए जाने के बाद ग्रू और लूसी घर वापस भागते हैं और उबेल शलेच से लड़ते हैं लूसी एवीएल से भी संपर्क करती है जो बदले में मैक्सिम को रोकने के लिए मेगामिनियन को सेवानिवृत्ति से बाहर बुलाता है हालांकि अराजकता में ग्रू जूनियर घर से निकल जाता है और मैक्सिम उसे देख लेता है जो उसका अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है ग्रू एक इमारत में मैक्सिम से मिलता है जहां वह बताता है कि उसने ग्रू जूनियर को रोज हाइब्रिड में बदल दिया है और ग्रू जूनियर के साथ मिलकर उससे लड़ता है ग्रू द्वारा अपने बेटे को दिए गए उत्साहवर्धक शब्दों से ग्रू जूनियर अपनी स्थिति से मुक्त हो जाता है और मैक्सिम पर हमला कर देता है मैक्सिम जमीन पर गिर जाता है जहां उसे मेगामिनियन और कई जानवरों और कीड़ों की मदद से और भी कुचल दिया जाता है जो उसे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। ग्रू और उसका परिवार अपने घर लौटता है जहां डॉ. नेफारियो ग्रू जूनियर के परिवर्तन को उलट देता है बाद में ग्रू मैक्सिम से जेल में मिलने जाता है और अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए उनसे बात करता है इसके बाद यह जोड़ी कैदियों के लिए जेल में एवरीबडी वांट्स टू रूल द वर्ल्ड का प्रदर्शन करती है जिसमें ग्रू के सभी पिछले विरोधी शामिल होते हैं जबकि पोपी को लाइसी पासबॉन में नामांकित दिखाया जाता है आवाज़ कास्ट स्टीव कैरेल फेलोनियस ग्रू एक पूर्व सुपरविलेन जो अब एंटीविलेन लीग एजेंट है जो मार्गो एडिथ और एग्नेस का दत्तक पिता ग्रू जूनियर का जैविक पिता और लूसी का पति है जो चेट कनिंगहम के रूप में प्रस्तुत होता है क्रिस्टन विग लूसी वाइल्ड एक एंटीविलेन लीग एजेंट ग्रू की पत्नी और मार्गो एडिथ और एग्नेस की दत्तक मां और ग्रू जूनियर की जैविक मां जो ब्लैंच कनिंगहम के रूप में प्रस्तुत होती है विल फेरेल मैक्सिम ले माल के रूप में फ्रांसीसी उच्चारण वाला एक सुपरविलेन जिसके पास कॉकरोच के उन्नत अंग है जो ग्रू और उसके परिवार से बदला लेना चाहता है जॉय किंग पोपी प्रेस्कॉट के रूप में एक महत्वाकांक्षी सुपरविलेन जो लंबे समय से ग्रू की प्रशंसा करता है और मेफ्लावर में ग्रू का नया पड़ोसी 6. सोफिया वर्गारा वैलेंटिना के रूप में मैक्सिम की घातक प्रेमिका स्टीफन कोलबर्ट पेरी प्रेस्कॉट के रूप में पोपी के पिता पैट्सी के पति और मेफ्लावर में ग्रू के नए पड़ोसी क्लो फाइनमैन पैट्सी प्रेस्कॉट के रूप में पोपी की मां पेरी की पत्नी और मेफ्लावर में ग्रू की नई पड़ोसी छ मिरांडा कॉसग्रोव मार्गो ग्रू और लूसी की सबसे बड़ी दत्तक पुत्री जो ब्री कनिंगहम के रूप में प्रस्तुत होती है स्टीव कूगन सिलास रामसबोटम, एंटीविलेन लीग के पूर्व सेवानिवृत्त निदेशक पेरे कॉफिन मिनियन के रूप में ग्रू के पीले गुर्गे जिनमें से अधिकांश को बाद में एंटीविलेन लीग में एजेंट के रूप में नौकरी मिल जाती है डाना गेयर एडिथ ग्रू और लूसी की मजली दत्तक पुत्री जो ब्लेयर कनिंगहम के रूप में प्रस्तुत होती है मेडिसन पोलन एग्नेस के रूप में ग्रू और लूसी की सबसे छोटी दत्तक बेटी जो ब्रिटनी कनिंगहम के रूप में प्रस्तुत होती है पोलन ने तीसरी फिल्म में नेव शारेल की जगह ली है क्रिस रेनॉर्ड प्रिंसिपल उबेल श्लेज के रूप में पास बॉन के प्रिंसिपल इसके अलावा जॉन डिमैगियो जिन्होंने पहले मिनियन द राइज ऑफ ग्रू 2022 में वाइल्ड नकल्स के पूर्व गुर्गे में से एक और मिनियन स्काउट्स एनिमेटेड शॉर्ट में स्काउट मास्टर की आवाज़ दी थी काल की आवाज़ देते हैं जो एक बस ड्राइवर है जो एवीएल के लिए काम करता है और बचे हुए मिनियन को उनके नए गंतव्य तक पहुंचाता है लारेन न्यूमैन ने मेलोरा की आवाज़ दी है जो एक सैलून ग्राहक है जिसे लूसी ने गलती से जला दिया था और रोमेश रंगनाथन ने डॉ नेफारियो की आवाज दी है जो ग्रू का गैजेटियर है जो उसे और उसके मिनियन के लिए आविष्कार प्रदान करता है रंगनाथन नेफारियो के लंबे समय के अभिनेता रसेल ब्रांड की जगह लेते हैं फिल्म के अंत में गैर बोलने वाले कैमियो में ग्रू के पड़ोसी फ्रेड मैकडेड उनकी मां मार्लेना और उनके जुड़वा भाई द्रु साथ ही पिछले किश्तों के कई खलनायक शामिल हैं वेक्टर उनके पिता मिस्टर परकिंस माचो, बालथाजार ब्रैथ स्कारलेट और बोवरकिल और विशियस छे के शेष सदस्य बेले बॉटम, जीन जीनक्लॉयड स्वेंजेस स्ट्रोंगहोल्ड और नंचक उत्पादन डिस्पिकेबल मी चार का विकास सितंबर 2017 में शुरू हुआ जिसमें लंबे समय से डिस्पिकेबल मी और इल्यूमिनेशन के लेखक सिंको पॉल और डोरियो ने स्क्रिप्ट के शुरुआती ड्राफ्ट लिखे साथ फरवरी 2022 में फिल्म की आधिकारिक पुष्टि की गई जिसमें अनुभवी डिस्पिकेबल मी निर्देशक क्रिस रेनॉड पैट्रिक डेलेज और माइक वहाइट क्रमशः निर्देशक सहनिर्देशक और लेखक के रूप में जुड़े और 3 जुलाई 2024 को रिलीज की तारीख की घोषणा की गई 8, 9 जून 2022 तक उत्पादन शुरू हो गया था जिसमें स्टीव कैरेल ने कुछ सत्रों के बाद अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी दस, अधिकांश उत्पादन कोविड 19 महामारी के दौरान किया गया था 11 जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि कैरेल क्रिस्टन वाइग मिरांडा कॉसग्रोव डाना गेयर पेरे कॉफिन और स्टीव कूगनग्रू लुसी वाइल्ड मार्गो एडिथ द मिनियन और सीलास रामस बॉटम के रूप में अपनी अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए लौटेंगे जबकि विलफेरेल जॉय किंग सोफिया वेरगारा स्टीफन कोलबर्थ क्लो फाइनमैन और मेडिसन पोलन नेव शारेल की जगह वॉयस कास्ट में शामिल होंगे क्रमशः मैक्सिम लेमाल पोपी प्रेस्कॉट वेलेंटीना पेरी प्रेस्कॉट पैट्सी प्रेस्कॉट और एग्नेस के लिए आवाज देंगे बारह तेरह उसी महीने यह घोषणा की गई कि द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023 के कार्यकारी निर्माता ब्रेट हॉफमैन और डोरियो को क्रमशः सहनिर्माता और सहलेखक के रूप में जोड़ा गया एनिमेशन फ़िल्म निर्देशक क्रिस रेनॉर्ड के अनुसार पिछली फिल्मों में दिखाई देने वाले कुछ पात्रों के चरित्र रिग और सतहों को इस सीक्वल के लिए अपडेट किया गया था फ्रेड मैकडेड जो पहली फ़िल्म के बाद से दिखाई नहीं दिए थे को फिर से बनाया गया क्योंकि उनका चरित्र मॉडल बहुत बूढ़ा हो गया था वह दृश्य जिसमें पोपी एक आर्केड मशीन के साथ खेलती है मूल रूप से चरित्र के लिए एक एनिमेशन परीक्षण के रूप में शुरू हुआ था लेकिन फिल्म निर्माताओं को यह दृश्य पसंद आया और इसे फिल्म के अंतिम कट में जोड़ा गया अलेवन संगीत मार्च 2024 में हेटर परेरा को पिछली किश्तों से लौटते हुए फिल्म के स्कोर की रचना करने की घोषणा की गई थी 15. फेरेल विलियम्स को भी परेरा के साथ स्कोर की सहरचना करने के साथ साथ नए गाने लिखने के लिए लौटने की पुष्टि की गई थी सिक्सटीन आठ मई को विलियम्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर फिल्म के लिए अपने मूल गीत डबल लाइफ का 30 सेकंड का स्निपेट पूर्वावलोकन किया सत्रह चौदह जून 2024 को विलियम्स ने इस गीत को डिस्पिकेबल मी चार साउंड ट्रैक के पहले एकल के रूप में रिलीज किया अठारह इस गीत की व्याख्या कनाडाई रैपर ड्रेक पर लक्षित एक डिस्ट्रैक के रूप में की गई है 19, 20 अप्रोक्स के लिए, लिए लिखते हुए डेरिक रॉसिग्नोल ने देखा कि धुन हैप्पी जैसी सामान्य और गेवादी नहीं है लेकिन इसमें शानदार खांचा है और ग्रु रिफ्रेन वास्तव में नरक के रूप में आकर्षक है यह शायद हैप्पी की तरह दुनिया बदलने वाला एकल नहीं होगा लेकिन यह बच्चों की फिल्म साउंड ट्रैक किराया के ऊपरी स्तर पर है विपनन फिल्म का पहला ट्रेलर 28 जनवरी 2024 को दो दो तीन चौबीस एनएफएल फिल्प्लेफ चैंपियनशिप गेम्स के दौरान रिलीज किया गया था तेईस ट्रेलर में गनसेन रोजेज के स्वीट चाइल्ड ओ माइन और हॉल एंड ओट्स के मैनेटर गाने शामिल है साथ ही टेलीविजन शो में ड्रैगन फोर्स के थ्रू द फायर एंड फ्लेम्स भी शामिल है सीबीआर ने बताया कि ट्रेलर में ग्रु परिवार के एक नए सदस्य का स्वागत करने के संघर्ष को दिखाया गया है और इसमें विल फेरेल की मैक्सिम ले माल की शुरुआत भी शामिल है बारह स्क्रीन रेंट के ब्रेनन क्लेन ने देखा कि ग्रू का अपने बेटे ग्रू जूनियर के साथ अशांत संबंध उसकी दत्तक बेटियों के साथ अच्छे संबंधों के विपरीत था चौबीस ग्यारह फरवरी को सुपर बाउल एलवीआईआईआई के दौरान एक अतिरिक्त ट्रेलर का खुलासा किया गया जिसे जॉन हेम द्वारा सुनाया गया जिन्होंने पहले 2015 की स्पिन फिल्म मिनियंस में हर्ब ओवरकिल की आवाज दी थी और इसमें फेरेल और स्टीव कैरेल द्वारा कैमियो किया गया था द हॉलीवुड रिपोर्टर के रयान गजेवस्की ने कहा कि ट्रेलर आधुनिक तकनीक के लाभों का बखान करता हुआ दिखाई दिया लेकिन इसमें एआई द्वारा उत्पन्न अजीब छवियां दिखाई गईं। ट्रेलर में फेरेल और कैरेल के पुनर्जागरण युग से प्रेरित पोज का आनंद लेते हुए 25, 10 अप्रैल को सिनेमाकॉन में यूनिवर्सल ने ग्रू और पोपी की एक क्लिप दिखाई जिसमें वे एक हनी बेजर चुराने की कोशिश कर रहे थे 26 स्क्रीन रेंट के ब्रेनन क्लाइन ने सराहना की, की कि क्लिप ने सीक्वल में ग्रू की घरेलू पारिवारिक व्यक्ति की स्थिति के महत्वपूर्ण तत्व को मजबूत किया 27 दूसरा ट्रेलर 7 मई 2024 को रिलीज किया गया था 28 द रैप के लिए लिखते हुए ड्रू टेलर ने ट्रेलर को हैवी कहा और ट्रेलर में दिखाए गए फेरेल विलियम्स के नए मूल गीतों में से एक की ओर इशारा किया उनतीस कोलाइडर ने एक प्रयोग के लिए मिनियन स्वयंसेवकों के एक छोटे समूह को भर्ती करने के विनाशकारी परिणामों का उल्लेख किया जिसने उन्हें सुपरपावर दिए पत्रकार दिएगो पेराल्टा ने एक सीक्वेंस की ओर इशारा किया जिसमें पावर वाले मिनियन में से एक लेज़र विजन के साथ अपने बेस के एक हिस्से को नष्ट कर देता है और कहा कि खलनायक मैक्सिम और वेलेंटिना ग्रू द्वारा पहले सामना किए गए किसी भी खतरे से अधिक खतरनाक है तर्डी आठ जून दो को इल्यूमिनेशन ने फिल्म के लिए एक पेरोडी टीजर जारी किया जिसमें स्टीव कैरेल ने मेगावर्स की घोषणा की जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स जैसे साझा ब्रह्मांडों की पैरोडी है यह दावा करते हुए कि इल्यूमिनेशन 100 साल की फिल्में टेलीविज़न श्रृंखला और मेगा मिनियन अभिनीत मंच प्रस्तुतियों को जारी करेगा इकतीस इल्यूमिनेशन ने मेगावर्स के लिए एक वेबसाइट भी प्रकाशित की बत्तीस वेबसाइट पर नोट किए गए कुछ नकली प्रोडक्शंस में मेगा मिनियन द टैक्स राइट और एक शीर्षकहीन मिनियन स्पिन्फ सीरीज़ शामिल है जिसमें कठोर बाज़ार परीक्षण और तदर्थ निर्णय लेने के आधार पर कहानी निर्धारित की जाएगी बत्तीस गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता है स्टंट की प्रशंसा किसके द्वारा हॉलिडे हंट और कोयोट बनाम एक में और 2022 हजार डीसीयू फिल्म ब्लैक एडम साथ ही डिज्नी की उनकी क्लासिक एनिमेटेड फिल्मों के लाइव एक्शन रीमेक और मार्वल के कई हालिया प्रोडक्शंस जैसे एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया और सीक्रेट इन्वेजन को मिला जुला स्वागत इकतीस सत्यापन विफल रिलीज नाटे डिस्पिकेबल मी चार का प्रीमियर 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क शहर के जेज एट लिंकन सेंटर में हुआ तैंतीस और 13 जून को एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में इसका फ्रेंच प्रीमियर हुआ चौंतीस यह फिल्म 20 जून को ऑस्ट्रेलिया में पैंतीस और 3 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज हुई होम मीडिया नेटफ्लिक्स के साथ यूनिवर्सल के दीर्घकालिक सौदे के हिस्से के रूप में फिल्म पीटीवी विंडो के पहले चार महीनों के लिए पीकॉक पर स्ट्रीम होगी अगले दस महीनों के लिए नेटफ्लिक्स पर जाने से पहले और शेष चार के लिए पीकॉक पर वापस आ जाएगी 8 जुलाई 2024 तक डिस्पिकेबल मीचार ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में एक मिलियन डॉलर की कमाई की है जिससे भर में कुल 240.2 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है फोर फाइव संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में डिस्पिकेबल चार को अपने पांच दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में चार हजार तीस सिनेमाघरों से एक सौ एक सौ पच्चीस मिलियन की कमाई करने का अनुमान था अड़तीस उनतालीस फिल्म ने अपने पहले दिन सत्ताईस मिलियन डॉलर और दूसरे दिन छब्बीस दशमलव आठ मिलियन डॉलर कमाए चालीस इकतालीस यह पारंपरिक तीन दिवसीय सप्ताहांत में 75 मिलियन डॉलर की शुरुआत करने के साथ साथ कुल पांच दिवसीय सकल 122.6 मिलियन डॉलर के साथ बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर पहुंच गया 42 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 117 आलोचकों की बावन परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग पांच है वेबसाइट की आम सहमति पड़ती है तेज गति और तमाशा करने वाले चुटकुलों से भरपूर डिस्पिकेबल मीचार एक पिनाटा की तरह भरी हुई है लेकिन दर्शकों को एक सुखद चीनी रश देने के लिए पर्याप्त कैंडी से भरी हुई है तैंतालीस मेटाक्रिटिक जो एक भारित औसत का उपयोग करता है ने तैंतीस आलोचकों के आधार पर फिल्म को एक सौ में से पचास का स्कोर दिया जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है चवालीस सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर ए का औसत ग्रेड दिया पहली दो फिल्मों के समान जबकि पोस्ट ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने फिल्म को बयासी परसेंट सकारात्मक स्कोर दिया जिसमें तिरसठ परसेंट ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी सिफारिश करेंगे 41 वन ने माना कि फिल्म मनोरंजक है लेकिन कथानक बेकार पात्रों से भरा हुआ है एक बात बिल्कुल निश्चित है हमने इन पात्रों को अभी तक नहीं देखा है भले ही हम चाहे कि उनमें से कुछ अगले सीक्वल से बाहर रहें जैसे कि मेगा मिनियन जो सुनने में जितने प्यारे लगते हैं उतने हैं नहीं पैंतालीस स्क्रीन रेंथ छियालीस या द हॉलीवुड रिपोर्टर में इसी तरह का मूल्यांकन पाया जा सकता है उदाहरण के लिए विभिन्न कथानक रेखाओं के बीच खलनायक की अविकसित भूमिका तेज गति से चलने वाली पचानवे मिनट की फिल्म डिस्पिकेबल मी चार मैक्सिम को अपनी योजनाओं को एक तरह से लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देती है जो एक भावनात्मक झटका देती है सैंतालीस एबीसी न्यूज ने टिप्पणी की क्या डिस्पिकेबल मी फिल्म की समीक्षा एक विचारशील विश्लेषण होनी चाहिए या सिर्फ़ मिनियन द्वारा इसमें किए गए मजेदार कामों की एक सूची होनी चाहिए जितना मैं फ़िल्म आलोचना के मूल्य में विश्वास कर सकता हूं मुझे संदेह है कि मूल्यांकन के बेहतरीन बिंदु भी उतनी ही तेजी से नष्ट हो जाएंगे जितनी तेजी से मिनियन बेलो कह सकता है क्रिस रेनॉर्ड जन्म दिसंबर उन्नीस एक अमेरिकी डिजाइनर स्टोरी बोर्ड कलाकार निर्देशक निर्माता और आवाज अभिनेता है जो इल्यूमिनेशन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं उन्हें 2006 की एनिमेटेड शॉर्ट नो टाइम फॉर नट्स के लिए एकेडमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था जिसमें एनिमेटेड आइस एज फिल्मों के चरित्र स्क्रैट को दिखाया गया था उनका सबसे लोकप्रिय काम डिस्पिकेबल मी फिल्में हैं जिन्होंने पहली दूसरी और चौथी फिल्मों का निर्देशन किया है जिनमें से पहली दो का उन्होंने पिरे कॉफिन के साथ सहनिर्देशन किया था कॉफिन के साथ उन्होंने मिनियन का सहनिर्माण भी किया और अपनी आवाज़ दी उन्होंने द लोरेक्स द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स और इसके सीक्वल का भी निर्देशन किया जीवन और कैरियर क्रिस रेनॉर्ड का जन्म 1966 में बाल्टीमोर में हुआ था 15 साल की उम्र में वे बेथलेहम पेंसिल्वेनिया चले गए जब उनके पिता जो बेथलेहम स्टील के लिए काम करते थे को उनके कॉरपोरेट मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया दो रेनॉर्ड ने कहा है कि उन्हें इस कदम के साथ मिश्रित भावनाएं थीं उन्होंने कहा कि इससे उन्हें परेशानी हुई लेकिन यह उनके जीवन की सबसे अच्छी चीजों में से एक भी थी क्योंकि इससे उन्हें पता चला कि वह एक महान बड़ी दुनिया है वह हाई स्कूल की सालाना किताबों और अखबारों के लिए कलाकार थे और कॉमिक किताबें बनाने की ख्वाहिश रखते थे दो उन्होंने उन्नीस में एलेंटाउन पेंसिल्वेनिया में पार्कलैंड स्कूल से स्नातक किया और एलेन्टाउन में बॉम्ब स्कूल ऑफ आर्ट में भाग लिया जहां उन्हें एक हज़ार डॉलर की छात्रवृत्ति मिली रिह उन्नीस नवासी में एक चित्रण की डिग्री के साथ सिरेक्यूज विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद चार रेनॉर्ड ने खेल मनोरंजन उद्योग में एक ग्राफिक डिज़ाइनर पांच के रूप में काम करना शुरू किया उन्होंने एनएफएल प्रॉपर्टीज एनबीए और फुट लॉकर के लिए लोगो और शुभंकर बनाए हैं विभिन्न प्रकाशनों और एजेंसियों के लिए एक डिज़ाइनर और चित्रकार के रूप में काम करने के बाद क्रिस ने कॉमिक पुस्तकें बनाना और लिखना शुरू किया मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स दोनों के लिए काम करते हुए उनकी परियोजनाओं में मार्वल की स्टारफ्लेट अकादमी को चित्रित करना और कहानी की अवधारणा को पेश करना शामिल था जो बैटमैन कैटाक्लिस्म छ में विकसित हुआ जिसमें गोथम शहर में आए विनाशकारी भूकंप को दर्शाया गया था सभी बैटमैन संबंधी कॉमिक्स में इस साल भर की कहानी के परिणामस्वरूप प्रसिद्ध चरित्र की बिक्री और दृश्यता में वृद्धि हुई और इसके बाद प्रशंसित लैंड no कहानी की स्थापना हुई डिजनी चैनल के द बुक ऑफ पूह के प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में रेनॉर्ड ने बच्चों के टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा उस अभूतपूर्व परियोजना के बाद से वह बियर इन द बिग ब्लू हाउस लेजी टाउन क्यूरियस पिक्चर्स और सोनी पिक्चर्स एनिमेशन के लिए वर्चुअल सेट और कठपुतली चरित्रों को डिजाइन करने में सक्षम रहे हैं इट्स ए बिग बिग वर्ल्ड के साथ जो 2006 से 2010 तक पीबीएस पर प्रसारित हुआ उन्होंने इस एमी नामांकित बच्चों के कार्यक्रम के हर पहलू के दृश्य विकास और डिजाइन का नेतृत्व किया उद्धरण की आवश्यकता रेनॉर्ड ने ब्लू स्काई स्टूडियो के लिए रोबोट्स आईसेज द मेल्टडाउन और डॉ सीस के रूपांतरण हॉटन हियर्स ए हूं फिल्मों में एक कहानीकार के रूप में काम किया उन्होंने एनिमेटेड शॉर्ट नो टाइम फॉर नट्स लिखा और सहनिर्देशित किया जिसे एनी अवार्ड और एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए 2007 का ऑस्कर नामांकन मिला साथ इसे 2006 में एनिमेशन शो ऑफ शो में भी शामिल किया गया था रेनॉड इल्यूमिनेशन एंटरटेनमेंट के लिए काम करने के लिए पेरिस चले गए आठ डिस्पिकेबल मी 2010 का निर्देशन करते समय रेनॉर्ड ने अपने निर्देशन साथी पेरे कॉफिन के साथ मिलकर ग्रु के प्रसिद्ध गुर्गे मिनियन को विकसित करना शुरू किया शुरुआत में प्राणियों को रोबोट बनाने के बारे में चर्चा हुई थी नौ तब रेनॉर्ड को यह विचार आया कि वे तिल के लोग हो सकते हैं और उन पर चश्मा लगा दिया मैंने कुछ तत्वों को मिलाकर एक बहुत ही खुरदुरा बदसूरत छोटा स्केच बनाया और इसे पेरे को भेजा जिन्होंने इसके बाद एरिक गुइलन के साथ इस पर चर्चा की जो मिनियन के कला निर्देशक और अंतिम डिजाइनर थे और उन्होंने उनमें से कुछ विचार लिए और साथ में हम मिनियन के स्वरूप के बारे में आए जितना अधिक फिल्म निर्माताओं ने छोटे लोगों पर काम किया वे उतने ही पीले और बेलनाकार होते गए मिनियन के लिए प्रेरणाओं में विली वोंका से ओम्पालूम्पा और स्टार वार से जवास साथ ही मूक स्क्रीन सितारे बस्टर कीटन और चार्ली चैपलिन और वार्नर ब्रदर्स कार्टून चरित्र शामिल थे चार चारचित्र निर्देशन सौदे में ग्यारह उन्होंने डिस्पिकेबल मी 2010 हज़ार दस डॉ सीस द लोरैक्स दो हज़ार बारह डिस्पिकेबल मी दो, दो हज़ार तेरह बारह और द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स दो हज़ार सोलह का निर्देशन किया जिसमें दो पालतू कुत्तों मैक्स और ड्यूक को अपने झगड़े पीछे छोड़ने पड़ते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एक खरगोश स्नोबॉल सभी पालतू जानवरों के मालिकों और उनके पालतू जानवरों से बदला लेने के लिए परित्यक्त पालतू जानवरों की एक सेना का निर्माण कर रहा है तेरह रेनॉर्ड ने 2013 में इल्यूमिनेशन एंटरटेनमेंट के साथ एक नया अनुबंध किया जिसमें उन्होंने कहा मुझे इल्यूमिनेशन के साथ काम करना बहुत पसंद है उन्होंने मुझे एक के बाद एक फ़िल्म निर्देशित करने का एक अनूठा अवसर दिया है बहुत बार एनिमेशन निर्देशक एक फ़िल्म बनाते हैं और फिर अगले पांच साल दूसरी फिल्म बनाने में बिता देते हैं लेकिन मैं काम करते रहने और फिल्में बनाते रहने की अनूठी स्थिति में हूं। इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं एक के एक साक्षात्कार में उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने एक बच्चे के रूप में डॉ सीस की किताबें पढ़ी, जिसने द लोरेक्स जैसी फिल्मों के साथ उनके काम को प्रभावित किया चौदह जब उनसे पूछा गया कि क्या वह लाइव एक्शन फिल्मों की ओर रुख करेंगे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके बारे में सोचा है और भविष्य में ऐसा हो सकता है लेकिन वह अभी एनिमेशन के साथ सहज महसूस करते हैं छ रेनॉर्ड ने 2017 में सत्रह में डिस्पिकेबल मी तीन का कार्यकारी निर्माण किया और 2022 में मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू का निर्माण किया वह 2019 में सीक्वल द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स दो और 2024 में चौबीस में डिस्पिकेबल मी चार का निर्देशन करने के लिए लौटे व्यक्तिगत जीवन रेनॉर्ड 2008 से 2009 से अपनी पत्नी लॉरेन और अपने दो बच्चों जॉन और कीली के साथ पेरिस फ़्रांस में रह रहे हैं पेरे लुई पडांग कॉफिन जन्म 16 मार्च उन्नीस एक एक फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक आवाज अभिनेता और एनिमेटर है जिन्हें डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइजी में चार फिल्मों के सहनिर्देशन और मिनियन की प्राथमिक आवाज होने के लिए जाना जाता है जिसने उन्हें दसवें सीयू अवार्ड्स में किड्स फैमिली अवार्ड दिलाया थ्यू जीवन और कैरियर कॉफिन का जन्म 16 मार्च 1967 को फ्रांस में इंडोनेशियाई उपन्यासकार एनएच दीनी और फ्रांसीसी राजनेक यवेस कॉफिन के घर हुआ था उनकी एक बहन है मैरी क्लेयर। अपने बचपन के दौरान वे अक्सर एशिया भर में घूमते रहे 1970 के दशक में पेरिस के एक उपनगर में बसने से पहले कंबोडिया और जापान में रहते थे बड़े होने पर उनके पिता ने उन्हें टीवी देखने से मना किया इसे बहुत निष्क्रिय मानते हुए इसके बजाय कॉफिन ने चित्र बनाना पढ़ना और संगीत सुनना बहुत पसंद किया हालांकि उन्होंने कभी कला में करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा था लेकिन उनके कुछ प्रतिभाशाली दोस्तों जो उनसे बेहतर ड्राइंग करते थे ने उन्हें अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया 3. उन्नीस और उन्नीस के बीच उन्होंने पेरिसोरबोर्न विश्वविद्यालय में सिनेमा का अध्ययन किया अपनी सैन्य सेवा में भाग लेने के दौरान उन्होंने पेरिस में गोब्लिन्स एनिमेशन स्कूल में प्रवेश परीक्षा देने के लिए अपना नाम वापस ले लिया उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने वहां 1990 से उन्नीस तक दो डी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया चार फिर वह दो डी लंदन स्थित सुविधा एम्बुलेंस चले गए जहां उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित हुई ए डायनासोर की स्टोरी में एक वर्ष तक जूनियर एनिमेटर के रूप में काम किया तीन इसके बाद उन्होंने फ्रेंच सीजीआई स्टूडियो एक्स मशीना में एक फ्रीलांस एनिमेटर के रूप में शुरुआत की जहां उन्होंने एक एनिमेटर और अंत एनिमेशन पर्यवेक्षक के रूप में काम किया पियरे कॉफिन के निर्देशन करियर की शुरुआत उन्नीस में पिंक्स नामक एक लघु फिल्म से हुई पांच 2010 में उन्होंने क्रिस रेनॉर्ड के साथ यूनिवर्सल के लिए फ़ीचर सीजीआई एनिमेटेड फ़िल्म डिस्पिकेबल मी पूरी की कॉफ़िन ने रेनॉर्ड के साथ डिस्पिकेबल मी और डिस्पिकेबल मी दो डिस्पिकेबल मी तीन और डिस्पिकेबल मी स्पिन्फ मिनियंस विद काइल बाल्डा का निर्देशन किया छः जिसमें उन्होंने विभिन्न मिनियंस की आवाज़ के रूप में भी काम किया कॉफिन ने मिनियंस के लिए मिनियन आवाजों के कई अलग अलग डब रिकॉर्ड किए ताकि विभिन्न राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर अपील की जा सके जिसमें देश के आधार पर अलग अलग स्थानीय शब्दों को मिलाया गया सेवन कॉफिन वर्तमान में इल्यूमिनेशन के लिए दो वेब सीरीज विकसित कर रहे हैं जो टिकटॉक और बाद में यूट्यूब पर शुरू होंगी जिसका शीर्षक है हूज हूं और बोन स्टोरी ए व्यक्तिगत जीवन कॉफिन के दो बच्चे हैं ट्री जॉय लिन किंग एक जन्म 30 जुलाई 1999, एक अमेरिकी अभिनेत्री है उन्होंने कॉमेडी फिल्म रमोना एंड बीट्स 2010 में रमोना क्विंबी के रूप में अभिनय किया और द किसिंग बूथ फिल्म श्रृंखला 2018 से 2021 में एक देर से खिलने वाली किशोरी के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की किंग को क्राइम ड्रामा सीरीज द एक्ट 2019 में रोज ब्लैंचर्ड की भूमिका निभाने के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था किंग बैटल लॉस एंजल्स 2011, क्रेजी स्टूपिड लव 2011, द डार्क नाइट राइज 2012, हजार बारह द कॉन्ज्यूरिंग दो हजार तेरह वाइट हाउस डाउन दो हजार तेरह इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस दो हजार सोलह और गोइंग इन स्टाइल 2017 के साथ साथ एफएक्स ब्लैक कॉमेडी सीरीज फार्गो 2014 से 2015 में भी नजर आ चुकी है उसके बाद से उन्होंने एक्शन फिल्मों बुलेट ट्रेन 2022 और द प्रिंसेस 2022 और रोमांटिक कॉमेडी ए फैमिली अफेयर 2024 में मुख्य भूमिकाएं निभाई है और डेस्पिकेबल मीचार दो में एक आवाज की भूमिका निभाई है प्रारंभिक जीवन किंग का जन्म लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में टेरी और जेमी किंग के घर 30 जुलाई 1999 को हुआ था दो तीन उन्होंने चार साल की उम्र में लाइफ सीरियल के विज्ञापन में पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू किया चार वह एटी एंड टी के ज्वेलर्स और एगो के विज्ञापनों में भी रही है उनकी दो बड़ी बहनें हैं जिनमें से एक अभिनेत्री हंटर किंग है किंग अपनी मां की ओर से अश्केनाजी यहूदी वंश की है जबकि पिता की ओर से इटालियन है उसने कहा है मैं यहूदी हूं लेकिन मैं वास्तव में धार्मिक नहीं हूं फाइव सिक्स शिक्षा किंग ने सिमी वैली में फीनिक्स रेंज स्कूल में पढ़ाई की सेवन एक बच्चे के रूप में उन्होंने सिमी वैली कल्चरल आर्ट्स सेंटर में एक टैलेंट शो के लिए एक कैपेला गाया चार और अगोरा में स्टेज डोर चिल्ड्रन थिएटर के साथ प्रदर्शन किया फॉर व्यक्तिगत जीवन किंग ने 2019 में निर्माता और निर्देशक स्टीवन पीट के साथ रिश्ता शुरू किया जब वे द एक्ट के सेट पर मिले थे फरवरी 2022 में उनकी सगाई हुई आठ और दो सितंबर 2023 को स्पेन के मेलोरका में उनकी शादी हुई नाइन कैरियर दो से 2016 शुरुआत और बाल अभिनय किंग ने एनिमेटेड फीचर हॉटन हियर से हूं 2008 में पीले फर बॉल कैटी की आवाज दी वह क्वारंटीन 2008 में भी दिखाई दीं 2010 में उन्होंने घोस्ट भिसपरर सीरीज में अतिथि भूमिका निभाई वह दो एपिसोड में एमिली मेसन के रूप में द सूट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी में भी दिखाई दी अन्य टेलीविजन प्रस्तुतियों में जेरिको इंटोरेज सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन मीडियम और लाइफ इन पीस शामिल है किंग की पहली मुख्य भूमिका 2010 की फिल्म रमोना एंड बीट्स में थी जो बेवरली क्लीरी पुस्तक श्रृंखला का एक रूपांतरण था जिसमें उन्होंने रमोना क्विंबी की भूमिका निभाई थी 11 उन्होंने रमोना ब्लू नामक फिल्म के लिए एक सिंगल भी रिलीज किया फिल्म में उनकी भूमिका ने उन्हें यंग आर्टिस्ट अवार्ड दिलाया किंग बैटल लॉस एंजल्स में दिखाई दीं जहां उन्होंने कर्स्टन नाम की लड़की की भूमिका निभाई 2011 में भी उन्होंने क्रेजी स्टूपिड लव में सहभिनय किया वह टेलर स्विफ्ट के मीन म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई दीं जिसमें वह स्कूल कैफ़ेटेरिया में एक युवा छात्रा के रूप में दिखाई दी जिसे उसके साथियों ने अस्वीकार कर दिया था ट्वेल्व किंग ने क्रिस्टोफर नोलन की तीसरी बैटमैन फिल्म द डार्क नाइट राइज 2012 में एक युवा तालिया अलगुल के रूप में भूमिका निभाई थी तेरह उन्होंने अल्पकालिक कॉमेडी सीरीज बेंट को भी फिल्माया न्यू गर्ल में अतिथि भूमिका निभाई और द हंटिंग ओवर द सीरीज के अंतिम एपिसोड गुडविल टू मेन में थी दो में किंग ओज द ग्रेट एंड पावरफुल चौदह फैमिली वीकेंड व्हाइट हाउस डाउन और द कॉन्जूरिंग में दिखाई दीं 2014 में वह विश आई वाज हियर में और साथ ही फार्गो में पुलिस अधिकारी गस ग्रिमली की बेटी ग्रेटा ग्रिमली के रूप में दिखाई दीं 2016 में किंग को आने वाली उम्र की ड्रामा फिल्म द पॉसिबिलिटी ऑफ फायरफ्लाइज में कास्ट किया गया था पन्द्रह उन्होंने 2017 की हॉरर थ्रिलर फिल्म विश अपॉन में मुख्य किरदार क्लेयर की भूमिका निभाई सोलह उन्होंने स्लेंडर मैन में भी भूमिका निभाई थी जो 2018 में रिलीज हुई थी 17. दो शू ने एक साथ वर्तमान द किसिंग बूथ और द एक्ट 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की किशोर रोमांटिक कॉमेडी द किसिंग बूथ में एली इवांस के रूप में अभिनय किया अठारह उन्होंने 2020 में रिलीज हुई सीक्वल द किसिंग बूथ दो और 11 अगस्त 2021 को रिलीज हुई द किसिंग बूथ तीन में भूमिका को दोहराया दो 2019 में उन्होंने हुलू पर सच्ची अपराध एंथोलॉजी टेलीविजन सीरीज द एक्ट में अभिनय किया किंग को जिप्सी रोज ब्लैंचर्ड के रूप में लिया गया था एक ऐसी भूमिका जिसके लिए किंग को अपने करियर में तीसरी बार अपना सिर मुंडवाना पड़ा बीस इक्कीस इसने उन्हें एमी गोल्डन ग्लोब एसएजी और क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स के लिए नामांकित किया वह सीबीएस कॉमेडी लाइफ इन पीसेज के चौथे सीजन में मॉर्गन के रूप में भी दिखाई दीं थी किंग का प्रतिनिधित्व टैलेंट एजेंट डैंस पिलो करते हैं तेईस अगस्त 2020 में उन्होंने अपनी सेवा के लिए टेलीविजन सामग्री का निर्माण करने के लिए हुलू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए चौबीस जुलाई 2021 में उनकी ऑल द किंग्स हॉर्स प्रोडक्शन कंपनी ने नेटफ्लिक्स के साथ एक सौदा किया 25 वह हुलू ओरिजिनल सीरीज वी वेयर द लकी ओन्स में हालिना कुर्क के रूप में दिखाई दीं 26 किंग को अगली बार 2024 में नेटफ्लिक्स के ए फैमिली अफेयर में देखा गया था सत्ताईस फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2008 हजार आठ हॉर्टन हीयर से हूं केटी आवाज संग्रोधन ब्रायना 2010 रमोना और बीच्स रमोना क्विंबी मिरांडा टेलर कॉसग्रोव जन्म 14 मई उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका गीतकार है 2000 और 2010 के दशक की शुरुआत में एक किशोर आदर्श उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 2012 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली बाल कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और 2022 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 इंच सूची में शामिल किया गया था उनके पुरस्कारों में चार किड्स चॉइस अवार्ड्स और एक एमी नामांकन शामिल है कॉसग्रोव ने सात साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की टेलीविजन विज्ञापनों में कई बार काम किया उन्होंने फिल्म स्कूल ऑफ रॉक दो में समर हैथवे के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की और उनकी सफल भूमिका निकेलोडियन सिटकॉम ड्रेक एंड जोश 2004 से 2007 में मेगन पार्कर थी वह निकेलोडियन सिटकॉम आई कार्ली दो से दो और इसके पैरामाउंट प्लस रिवाइवल रन 2021 से 2023 में कार्ली शे की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हुईं जिनमें से बाद में उन्होंने कार्यकारी निर्माता का, का काम किया उन्होंने डेस्पिकेबल मी फिल्म सीरीज दो शून्य एक शून्य वर्तमान में मार्गो को आवाज दी द इंट्रूडर्स 2015, 3022, 2019 नॉर्थ हॉलीवुड 2021, ड्रगस्टोर जून 2024 और मदर ऑफ द ब्राइड 2024 फिल्मों में दिखाई दीं और मिरांडा कॉसग्रोव दो शून्य एक नौ वर्तमान के साथ सीबीएस सीरीज मिशन अनस्टॉपेबल की मेजबानी करती है कॉसग्रोव ने 2008 में श्रृंखला के लिए टाइटल साउंडट्रैक एल्बम के साथ अपने संगीत की शुरुआत की जिसमें उन्होंने शो के थीम गीत सहित चार गाने गाए 2009 में उन्होंने अपना पहला विस्तारित नाटक अबाउट यू नाउ पेश किया उनका पहला स्टूडियो एल्बम स्पार्क्स फ्लाई अप्रैल 2010 में आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था एल्बम में एकल किसिन यू शामिल था जो बिलबोर्ड हॉट एक सौ पर चौवनवे स्थान पर पहुंच गया और गोल्ड प्रमाणित हुआ विस्तारित नाटक ईपी हाई मेंटेनेंस अगले वर्ष जारी किया गया था अपने एल्बम और ईपी दोनों का समर्थन करने के लिए उन्होंने डांसिंग क्रेजी टूर शुरू किया प्रारंभिक जीवन कॉसग्रोव का जन्म चौदह मई उन्नीस एक को लॉस एंजिल्स में टॉम कॉसग्रोव के घर हुआ था जो ड्राई क्लीनिंग का व्यवसाय करते हैं पांच और क्रिस नीकेसी एक गृहिणी है पांच उसने कहा है कि वह आयरिश अंग्रेजी और फ्रेंच मूल की है छ वह एक इकलौती संतान है और छठी कक्षा से उसे घर पर ही पढ़ाया गया सात आठ वह बचपन में शरीर की छवि को लेकर संघर्ष करती रही नौ दस अभिनेत्री बनने से पहले वह एक पशु चिकित्सक बनना चाहती थी अलेवन तीन साल की उम्र में उन्हें लॉस एंजल्स के रेस्तरा टेस्ट ऑफ एले में गाते और नाचते हुए एक प्रतिभा एजेंट पांच ने खोजा था बारह कॉसग्रोव का कहना है कि जब एजेंट ने उनसे और उनकी मां से संपर्क किया तो उन्होंने वास्तव में कभी अभिनेत्री बनने के बारे में नहीं सोचा था और भाग्यशाली थीं तेरह इसके बाद वह मैकडोनल्ड्स चौदह और मेलो येलो चौदह के लिए कई टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दीं चौदह और विभिन्न ब्रांडों के लिए मॉडलिंग भी की पंद्रह सात साल की उम्र में उन्होंने थिएटर और टेलीविजन भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया तर्ड कैरियर 2000 के दशक कॉसग्रोव पहली बार टेलीविजन पर 2001 में नजर आईं, जब उन्होंने स्मॉलविले के पायलट एपिसोड में युवा लाना लैंग के लिए अपनी आवाज दी थी सोलह उन्होंने रिचर्ड लिंकलेटर द्वारा निर्देशित स्कूल ऑफ रॉक 2003 में अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की फ़िल्म में उन्होंने समर हैथवे का किरदार निभाया था जो बड़ी महत्वाकांक्षा और अनुशासन वाली एक युवा लड़की है जो खुद को अपने नए संगीत शिक्षक जैक ब्लैक के मुक्त स्वभाव के साथ तालमेल बिठाती हुई पाती है ब्लैक के साथ काम करने के बारे में कॉसग्रोव ने कहा कि वह सबसे सामान्य अच्छे आदमी की तरह व्यवहार करता है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वह खुद को जैक ब्लैक समझता है सत्रह उन्होंने उस दृश्य का भी हवाला दिया जिसमें उनका किरदार गाने की कोशिश करता है जो विशेष रूप से कठिन है मैं लगभग पांच साल से गायन की शिक्षा ले रही थी चौदह स्कूल ऑफ रॉक बॉक्स ऑफिस पर हिट रही जिसने दुनिया भर में 130 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की अठारह और यह एक आलोचनात्मक सफलता थी उन्नीस न्यूजवीक के डेविड एसेन ने उनके प्रदर्शन को सटीक बताया फणि दो में कॉस्ग्रोव को टेलीविजन सीरीज में पहली बड़ी भूमिका मिली जब उन्हें ड्रेक बेल और जोश पेक के साथ निक्लोडियन सीरीज ड्रेक एंड जोश में कास्ट किया गया श्रृंखला में उन्होंने शीर्षक पात्रों की शरारती छोटी बहन मेगन पार्कर का किरदार निभाया था 2005 में कॉस्ग्रोव को कार्टून नेटवर्क की फिल्म हियर कम्स पीटर कॉटनटेल द मूवी में मंच की भूमिका से सम्मानित किया गया फिल्म में कॉस्क्रोव ने एक मादा चूहे का किरदार निभाया है जिसे जूनियर और फ्लटर एक बाज से बचाते हैं और जो उनके साहसिक कार्य में उनके साथ शामिल हो जाती है 21 कॉस्ग्रोव ने एनिमेटेड कॉमेडी लिलो एंड स्टिच द सीरीज के दो एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई उन्होंने एक नाटकीय फिल्म में अपनी दूसरी प्रमुख भूमिका तब जीती जब उन्होंने ड्रेक एंड जोश के अपने सहकलाकार ड्रेक बेल के साथ कॉमेडी फिल्म योर्स माइन एंड अवर्स ने तीसरे स्थान पर शुरुआत की जिसने अपने पहले सप्ताहांत में यूएस बॉक्स ऑफिस पर सत्रह मिलियन डॉलर की कमाई की तेईस कॉसग्रोव की तीसरी नाटकीय रिलीज कीपिंग अप विद द स्टीम्स 2006 में रिलीज हुई थी इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा 24, 25, छ्वटी फाइव सी 2009, हजार के सेट पर कॉसग्रोव ने कई निक्लोडियन सीरीज में अतिथि भूमिकाएं निभाईं जिनमें से पहली जोए एक थी बाद में कॉसग्रोव ने अनफेबुलस के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स ने अभिनय किया था कॉसग्रोव को सिटकॉम आईकार्ली में मुख्य किरदार के रूप में लिया गया था छब्बीस जिसका प्रीमियर 8 सितंबर 2007 को हुआ था निर्माता डैन स्नाइडर ने आईकार्ली को युवा लोगों की इंटरनेट में रुचि के इर्द गिर्द तैयार किया दर्शक अपने वीडियो सबमिट कर सकते थे और सिटकॉम में शामिल हो सकते थे 27 अंतिम ड्रेक एंड जोश एपिसोड 16 सितंबर 2007 को प्रसारित किया गया था 2008 की गर्मियों तक आईकार्ली 9 से 14 जनसांख्यिकीय में तीसरी सबसे अधिक रेटेड श्रृंखला थी आई कार्ली सेव्स टीवी स्पेशल जून 2008 में केबल टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन शो बन गया 14. रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में उनकी शुरुआत आई कार्ली थीम गीत लीव इट ऑल टू मी से हुई 28. जिसमें ड्रेक बेल थे और इसे 2 दिसंबर 2007 को एकल के रूप में रिलीज किया गया था उनतीस जून दो में कोलंबिया रिकॉर्ड्स ने आई कार्ली साउंड ट्रैक जारी किया जिसमें कॉसग्रोव द्वारा गाए गए चार गाने थे और बिलबोर्ड किड एल्बम चार्ट पर नंबर एक पर शुरुआत हुई तीस इकतीस स्टे माई बेबी को एल्बम से प्रमोशनल सिंगल के रूप में रिलीज किया गया था दिसंबर 2008 में क्रिसमस गीत क्रिसमस रैपिंग का एक कवर घंटे भर के विशेष मेरी क्रिसमस ड्रेक एंड जोश को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया था बत्तीस अट्ठाईस जनवरी 2009 को कॉसग्रोव ने अबाउट यू नाउ को उसी नाम के अपने आगामी डेब्यू विस्तारित प्ले से मुख्य एकल के रूप में रिलीज किया जिसे 3 फरवरी 2008 को रिलीज किया गया था अबाउट यू नाउ बिलबोर्ड हॉट 100 पर सैतालीसवें स्थान पर पहुंच गया 33, चौंतीस पैंतीस 2009 की एनिमेटेड फ़िल्म क्लाउडी विद अ चांस ऑफ बॉल्स को बढ़ावा देने के लिए कोलंबिया रिकॉर्ड्स ने अगस्त 2009 में एक साथ संगीत वीडियो के साथ प्रचार एकल रेनिंग सनशाइन जारी किया छत्तीस सैंतीस कॉसग्रोव 2009 की एमटीवी की फीमेल पॉप रूकीज में से एक बन गई अड़तीस उसी वर्ष कॉसग्रोव ने सीधे सीधे डीवीडी फिल्म द वाइल्ड स्टैलियन 2009-2010 का दशक 2010 मच म्यूजिक वीडियो अवार्ड्स में कॉसग्रोव 17 मार्च 2010 को यह बताया गया कि कॉसग्रोव ने आईकार्ली के 26 अतिरिक्त एपिसोड करने के लिए कथित तौर पर कम से मध्य सातांकड़ा रेंज में एक सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं उनतालीस कॉसग्रोव ने जुलाई 2010 में जारी यूनिवर्सल स्टूडियोज की एनिमेटेड फीचर डिस्पिकेबल मीमे मार्गो की आवाज भी दी 2010 में कॉसग्रोव ने अपने डेब्यू स्टूडियो एल्बम स्पार्क्सफ्लाई के लिए गीतकारों द मैट्रिक्स डॉल्यूक मैक्स मार्टिन सेंतीस लिया हेवुड और डैनियल जेम्स के साथ काम किया किसिनयू स्पार्क्स फ्लाई से एकमात्र एकल के रूप में जारी किया गया था और इसका प्रीमियर 12 मार्च 2010 को रियान सिक्रेस्ट के रेडियो शो में किया गया था चालीस किसिनयू कॉसग्रोव की सबसे अधिक बिकने वाली एकल रिलीज बन गई इकतालीस बयालीस स्पार्क्स फ्लाई अप्रैल 2010 में रिलीज हुई थी तैंतालीस और यूएस बिलबोर्ड 200 चार्ट पर आठवें स्थान पर पहुंच गई मार्च 2011 में कॉसग्रोव ने अपना अनुवर्ती ईपी हाई मेंटेनेंस रिलीज किया चवालीस यह सिंगल डांसिंग क्रेजी से पहले आया था जिसे मैक्स मार्टिन शेलबैक और एवरिल लेविग्ने ने लिखा था और मार्टिन और शेलबैक ने इसका निर्माण किया था पैंतालीस सिंगल बिलबोर्ड हॉट 100 पर एक सर्वे स्थान पर पहुंच गया 44 सोफिया मार्गारीटा वेरगारा वेरगारा स्पेनिश एसओएफआई डॉट ए जन्म दस जुलाई उन्नीस सौ बेहत्तर एक दो एक कोलंबियाई और अमेरिकी अभिनेत्री और टेलीविजन हस्ती है उन्हें एबीसी सिटकॉम मॉडर्न फैमिली 2009 से 2020 में ग्लोरिया डेल्गाडोप्रिचेट और नेटफ्लिक्स मिनिसरीज ग्रिसेल्ला, 2024 में ड्रग लॉर्ड ग्रिसेल्डा ब्लैंको की भूमिका के लिए जाना जाता है पूर्व के लिए उन्हें चार गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और चार प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था इस भूमिका ने उन्हें अमेरिका में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया थ्री फोर फाइव उन्नीस के दशक के अंत में स्पेनिश भाषा के टेलीविज़न नेटवर्क यूनिविजन के लिए दो टेलीविज़न शो की सहमेजबानी करते हुए वेरगारा ने प्रसिद्धि प्राप्त की अंग्रेजी में उनका पहला उल्लेखनीय अभिनय फिल्म चेजिंग पापी 2003 में था इसके बाद वे फोर ब्रदर्स 2005 और टाइलर पेरी की कॉमेडी मीत ब्राउन्स 2008 और मेडिया गोज टू जेल 2009 में नजर आईं जिसके लिए उन्हें अल्मा अवार्ड के लिए नामांकन मिला उन्होंने न्यू ईयर्स ईव 2011, हजार ग्यारह द थ्री स्टूज दो हजार बारह किल्स 2013 फेडिंग जिगोलो 2013 शेफ 2014 और हॉट परस्यूट 2015 में भी अभिनय किया है वेरगारा ने एनिमेटेड फिल्मों हैप्पी फीट टू 2011 हजार ग्यारह एस्केप फ्रॉम प्लेनेट अर्थ 2013 और द इमोजी मूवी 2017 में सत्रह में वॉयसओवर भूमिकाएं भी निभाई है 2020 से वेरगारा टेलीविज़न टैलेंट शो अमेरिकाज गॉट टैलेंट में जज रही है छ उन्हें एक व्यवसायी और ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में भी जाना जाता है वह कमार्ट के लिए अपनी खुद की फैशन लाइन डिज़ाइन करती है और 2011 में पेप्सी और कवरगर्ल दोनों के साथ अनुबंध किया वेरगारा ने 2014 में अपनी पहली खुशबू सोफिया बाय सोफिया वेरगारा लॉन्च की और तब से चार और खुशबुएँ जारी की है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में विज्ञापन अभियानों में कुछ लैटिनाओं में से एक है सेवन प्रारंभिक जीवन वेरगारा का जन्म बैरेंक्विला में एक रोमन कैथोलिक परिवार आठ में हुआ था नौ उनकी मां मार्गारीटा वेरगारा डी वेरगारा एक गृहिणी थीं और उनके पिता जूलियो एनरिक वेरगारा रोबायो मांस उद्योग के लिए एक मवेशी पालक थे दस ग्यारह बारह उन्हें उनके पांच भाई बहनों और कई चचेरे भाइयों ने तोटी उपनाम दिया था 13. वर्गीज ने शुरुआत में कोलंबिया के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में तीन साल तक दंत चिकित्सा का अध्ययन किया लेकिन मॉडलिंग और शो बिजनेस में अफसरों का पीछा करने के लिए उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करने से दो सेमेस्टर पहले ही पढ़ाई छोड़ दी दस चौदह उन्नीस में उनके बड़े भाई राफेल की कोलंबिया में अपहरण के प्रयास के दौरान हत्या कर दी गई थी पंद्रह हत्या के कारण हुई अशांति में फंसना नहीं चाहती थी वर्गीज संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं मियामी फ्लोरिडा में बस गईं नौ दस तेरह सोलह उनकी चचेरी बहन और दत्तक बहन सेंद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक टेलीविजन अभिनेत्री भी है सत्रह अठारह कैरियर वेरगारा को कोलंबिया के एक समुद्र तट पर टहलते हुए एक फोटोग्राफर ने देखा था और उन्हें जल्द ही मॉडलिंग और टेलीविजन के काम के प्रस्ताव दिए गए उन्नीस बीस वह अपना पहला टेलीविजन विज्ञापन करने को लेकर आशंकित थीं जब तक कि उनके कैथोलिक स्कूली शिक्षकों ने उन्हें यह काम करने की व्यक्तिगत अनुमति नहीं दी इक्कीस उन्होंने सत्रह साल की उम्र में लैटिन अमेरिका में प्रसारित पेप्सी के विज्ञापन में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की बाईस इसके बाद उन्होंने क्रिएटिव वर्कशॉप स्कूल ऑफ एक्टिंग में पढ़ाई शुरू की जहां ग्लोरिया एस्टेफन ने भी प्रशिक्षण लिया 23 2009 में वेरगारा छह सप्ताह के लिए शिकागो ब्रॉडवे में मेट्रोन मामा मॉर्टन के रूप में दिखाई दी चौबीस पच्चीस वह ली द्वारा निर्देशित एक स्वतंत्र नाटक द बॉय में अभिनय करने वाली थीं हालांकि शूटिंग में देरी हुई और संशोधित बहाली मॉडर्न फैमिली के तीसरे सीजन के लिए उनके शूटिंग शेड्यूल से टकरा गई और उन्होंने इसे छोड़ दिया 26 जुलाई 2011 में उन्होंने फेरेली भाइयों की द थ्री स्टूज की शूटिंग पूरी की जो किसी प्रमुख फिल्म में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी उसने कहा मैं एक मतलबी महिला का किरदार निभा रही हूं जो थ्री स्टूज को अपने पति को मारने के लिए उकसाने की कोशिश करती है ताकि उसे सारा पैसा मिल जाए 27 अप्रैल 2012 में वह अपने बेटे मनोलो की यूट्यूब वेब सीरीज विदा कौन टोटी में दिखाई दी 28 2009 दो हज़ार नौ में वेरगारा उन्होंने एबीसी सिटकॉम मॉडर्न फैमिली में ग्लोरिया डेल्गाडोप्रिचेट के रूप में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें 2010 से 2013 तक कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था उनतीस फोर्ब्स डॉट कॉम द्वारा 18 जुलाई 2012 को जारी की गई सूची के अनुसार वेरगारा अमेरिकी टेलीविज़न में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला थीं जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 19 मिलियन डॉलर की कमाई की थी 30, 31 वेरगारा को पीपल पत्रिका के पचास सबसे खूबसूरत लोगों में से एक नामित किया गया था और द हॉलीवुड रिपोर्टर और बिलबोर्ड द्वारा हॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली लैटिन महिलाओं में से एक के रूप में नामित किया गया था बत्तीस वेरगारा को 7 मई 2015 को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला तैंतीस चौंतीस जून 2016 में मानवाधिकार अभियान ने ऑरलैंडो नाइट क्लब शूटिंग के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक वीडियो जारी किया वीडियो में वेरगारा और अन्य ने वहां मारे गए लोगों की कहानियाँ बताईं छत्तीस सैंतीस सितंबर 2016 तक फोर्ब्स ने बताया कि वेरगारा टेलीविजन में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थीं जिन्होंने पिछले वर्ष तैंतालीस मिलियन डॉलर कमाए थे अड़तीस फरवरी 2020 में यह घोषणा की गई कि वेरगारा अमेरिका के गॉड टैलेंट की जज होंगी जो इसके पन्द्रहवें सीजन से शुरू होगी वह 2021 में अपने दूसरे सीजन के लिए 2022 में अपने तीसरे 2023 में अपने चौथे और 2024 में अपने पांचवें सीजन के लिए लॉटीन उनतालीस चौबीस व्यावसायिक उद्यम 2011 में यह घोषणा की गई थी कि वर्गीज सौकर माताओं को लक्षित करते हुए कमाट के लिए एक कपड़ों की लाइन डिजाइन कर रही थी 40 2011 में वर्गीज को कवरगर्ल का चेहरा नामित किया गया था जिसका पहला विज्ञापन जनवरी 2012 में प्रदर्शित हुआ था 32 अप्रैल 2011 में वह डेविड बेखम के साथ डाइट पेप्सी के एक विज्ञापन में 41 और जनवरी 2012 में एक और विज्ञापन में दिखाई दीं 42 इसके अलावा 2011 में वह कॉमकास्ट के एक सफिनिटी ब्रांड और स्टेट फार्म के कई विज्ञापनों में दिखाई दीं तैंतालीस दो में उन्होंने डाइट पेप्सी रूम्स टू गो और दवा सिंथोरोइड के साथ समर्थन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तीन वर्गीज ने 2013 में रूम्स टू गो के साथ एक फर्नीचर लाइन शुरू की पैंतालीस 2014 में वेरगारा अमेरिकी एंटीडेंड्रफ शैम्पू ब्रांड हेड एंड शोल्डर की ब्रांड एम्बेसडर बनी छियालीस मार्च 2017 में उन्होंने अपनी छवि के कथित अनुचित उपयोग के लिए वीनस कॉन्सेप्ट के साथ समझौता किया जिसके बारे में वेरगारा ने कहा कि इससे गलत धारणा बनी कि उन्होंने उनके सौंदर्य उत्पादों का समर्थन किया है सैतालीस उन्होंने 2014 में अपनी पहली खुशबू सोफिया बाय सोफिया वेरगारा लॉन्च की और तब से चार और खुशबुएं जारी की है अड़तालीस उनचास जून 2023 में वेरगारा ने ब्यूटी ब्रांड टोटी लॉन्च किया पचास इक्यावन बावन ब्रांड का नाम उनके बचपन के उपनाम के नाम पर रखा गया है पचास सोफिया वर्गारा द्वारा उत्पाद श्रृंखलाओं की सूची वर्ष शीर्षक ब्रांड टिप्पणिया २००५ सोफिया वर्गारा द्वारा ईबीवाई ईबीवाई आपके द्वारा सशक्त वस्त्र संग्रह तिरपन 2011 से 2015 हज़ार पंद्रह सोफिया बाई सोफिया वेरगारा के मार्ट वस्त्र संग्रह दो शू एक तीन वर्तमान सोफिया वर्गारा फर्नीचर संग्रह जाने के लिए कमरे फर्नीचर लाइन पैंतालीस दो हजार अठारह सोफिया बाय सोफिया वेरगारा लैटिन अमेरिका एक्सक्लूसिव कम भुगतान करे जूते और बैग संग्रह चौरवन दो शू एक नौ वर्तमान सोफिया वेरगारा द्वारा सोफिया जीन्स वॉलमार्ट वस्त्र संग्रह पचपन दो शूने दो वर्तमान सोफिया वेरगारा फोस्टर ग्रांट, फोस्टर ग्रांट आईवियर संग्रह छप्पन सत्तावन दो हज़ार इक्कीस सोफिया इंटीमेट्स बाय सोफिया वेरगारा वॉलमार्ट अंतरंग परिधान लाइन अट्ठावन दो हजार बाईस सोफिया वेरगारा द्वारा सोफिया आभूषण वॉलमार्ट आभूषण लाइन दो हजार बाईस सोफिया होम बाय सोफिया वेरगारा वॉलमार्ट घर की सजावट की लाइन 2023 हज़ार टोटी वेरगारा का अपना सौंदर्य ब्रांड वर्गीज के बाल प्राकृतिक रूप से सुनहरे हैं। फिल्मों और टेलीविजन के लिए उन्हें कभी कभी अपने बालों को गहरा भूरा या काला रंग करने के लिए कहा जाता है ताकि वह अधिक रूढ़िवादी हिस्पैनिक दिखें उनसठ साठ वर्गीज की शादी 18 साल की उम्र में उनके हाई स्कूल प्रेमी जो गोंजालेज से हुई थी नौ उनका एक बेटा है जिसका नाम मनोलो है जो 16 सितंबर 1991 को कोलंबिया को में पैदा हुआ था इकसठ उन्नीस सौ में उनका तलाक हो गया नौ वर्गीज और उनके प्रेमी निकलोएब ने दो साल तक डेटिंग करने के बाद 2012 में सगाई कर ली 23 मई 2014 को वर्गीज ने घोषणा की कि सगाई रद्द कर दी गई है बासठ वर्गीज और ट्रू ब्लड स्टार जो मैंगनीलो ने छह महीने तक डेटिंग करने के बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या 2014 को सगाई कर ली तिरसठ उन्होंने 21 नवंबर 2015 को फ्लोरिडा के पाम बीच में शादी की चौंसठ पैंसठ सत्रह जुलाई 2023 को वेरगारा और मैंगनीलो ने पेज सिक्स को घोषणा की कि वे अलग हो गए हैं और शादी के सात साल बाद तलाक लेने की योजना बना रहे हैं छियासठ फरवरी 2024 में तलाक को अंतिम रूप दिया गया 67 सेवन वेरगारा को 2000 में 28 वर्ष की आयु में थायरॉयड कैंसर का पता चला था अड़सठ उनहत्तर सत्तर उनका थायरॉयड हटा दिया गया रेडियोआयोडीन थेरेपी कराई गई और वे पूरी तरह ठीक हो गईं। इकहत्तर वह हाइपोथायरायडिज्म को रोकने के लिए दवा लेती है 72 9 मई 2011 को वेरगारा के छोटे भाई जूलियो को उस वर्ष अप्रैल में गिरफ्तार होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से कोलंबिया भेज दिया गया था जूलियो को भी लंबे समय से नशीली दवाओं की लत थी और वह पहले भी कानून के साथ उलझ चुका था तिहत्तर चौहत्तर वेरगारा ने परेड पत्रिका को बताया किसी को दस साल से अधिक समय तक थोड़ा थोड़ा करके मरते देखना सबसे बुरी सज़ा है अब वह किसी दूसरे व्यक्ति की तरह है पचहत्तर दिसंबर 2014 में जिमी किमेल लाइव पर अपनी उपस्थिति के दौरान वेरगारा 2015 से 2017 तक वेरगारा तक वेरगारा फर्टिलाइजेशन द्वारा उत्पादित दो निषेचित भ्रूणों के भविष्य के बारे में कानूनी विवाद में शामिल थी जबकि वह अभी भी लोएब के साथ रिश्ते में थी अठहत्तर भ्रूणों को कैलिफ़ोर्निया के एक मेडिकल क्लिनिक में क्रायोप्रिजर्वेशन में भंडारण में रखा गया था उनासी 2014 में दंपति के अलग होने के बाद लोएब ने कैलिफ़ोर्निया की एक अदालत में भ्रूणों की कस्टडी के लिए मुकदमा दायर किया लेकिन बाद में उसने उस मुकदमे को छोड़ दिया जब अदालत ने मांग की कि लोएब उन दो महिलाओं की पहचान करे जिन्होंने उसके गर्भवती होने के बाद गर्भपात कराया था अस्सी दिसंबर 2016 में वेरगारा के खिलाफ जीवन के अधिकार का मुकदमा लुइसियाना में वेरगारा के भ्रूणों को वादी बनाकर शुरू किया गया था इक्यासी मुकदमे में भ्रूणों का नाम एम्मा और इजाबेला रखा गया था और उनके ट्रस्टी को जेम्स चार्बोनेट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था जो न्यू ऑरलियंस निवासी थे और वेरगारा से कोई संबंध नहीं रखते थे बयासी मुकदमे का उद्देश्य भ्रूणों को एक सरोगेट वाहक का उपयोग करके आगे विकसित होने का मौका देना था इसलिए पैदा होना और एक विरासत ट्रस्ट से लाभान्वित होना जो उनके लिए बनाया गया था और चार्बोनेट द्वारा प्रशासित किया गया था उनासी लोएब ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में 2015 के एक ओपेड में लिखा था उन्हें हमेशा के लिए जमे हुए रखना उन्हें मारने के समान है तिरासी मुकदमे में वेरगारा के माता पिता के अधिकारों को समाप्त करने की भी कोशिश की गई क्योंकि उन्हें एक मेडिकल क्लिनिक में प्रिजर्वेशन में रखकर उसने कथित तौर पर भ्रूणों को छोड़ दिया और उपेक्षित किया चौरासी अगस्त 2017 में लुइसियाना के एक न्यायाधीश ने इस आधार पर मामले को खारिज कर दिया कि अदालत के पास भ्रूण पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जो कैलिफोर्निया में गर्भाधान किए गए थे एटी फाइव सिक्स 2024 में वेरगारा ने डियोस मियोस कॉफी लॉन्च किया जो महिला कोलंबियाई उत्पादकों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित एक ब्रांड है 87. फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 2002 हजार दो जमानत क्षति हवाई जहाज अपहरणकर्ता हटाए गए दृश्य अट्ठासी स्टीफन जॉन कुगन. बटा के यूएन बटा जन्म 14 अक्टूबर उन्नीस सौ पैंसठ एक अंग्रेजी हास्य अभिनेता अभिनेता और पटकथा लेखक हैं वह एलन पाटरिज जैसे मूल पात्रों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं जो सामाजिक रूप से अयोग्य और राजनीतिक रूप से गलत मीडिया व्यक्तित्व थे जिसे उन्होंने आर्मंडो इनुची और क्रिस मॉरिस के साथ ऑन द ओवर और द डे टुडे पर काम करते हुए विकसित किया था पाटरिज ने कई टेलीविज़न सीरीज और 2013 की फ़िल्म एलन पाटरिज अल्फ़ा पापा में काम किया है उन्नीस में उन्होंने हेनरी नॉर्मल के साथ प्रोडक्शन कंपनी बेबी काउ प्रोडक्शंस की सहस्थापना की अपने काम के लिए उन्होंने चार बाफ्टा अवार्ड्स और तीन ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड्स के साथ साथ एकेडमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन सहित कई प्रशंसाएं प्राप्त की हैं कुगन ने 1980 के दशक में व्यंग्यात्मक कठपुतली शो स्पिटिंग इमेज में एक आवाज़ अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया और टेलीविजन विज्ञापनों के लिए आवाज दी 2002 में द पेरोल ऑफिसर और 24 ओवर पार्टी पीपल में अभिनय करने के बाद कुगन फिल्म उद्योग में प्रमुखता से उभरे उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड इन इन्सी डेज 2004, द नाइट एट द म्यूजियम ट्रिलॉजी 2006 से 2014, ट्रॉपिक थंडर 2008, पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन, द लाइटनिंग थीफ 2010, अवर इडियट ब्रदर 2011, रूबी स्पार्क्स 2012 इिप्लेसेबल यू 2018 और ग्रीड 2019 जैसी फिल्मों में काम करना जारी रखा उन्होंने ए कॉक एंड बुल स्टोरी 2005 में रॉब ब्राइडन के साथ खुद की भूमिका निभाई और बीबीसी सीरीज द ट्रिप 2010, द ट्रिप टू इटली 2014, द ट्रिप टू स्पेन 2017 और द ट्रिप टू ग्रीस 2020 जिनमें से सभी को फिल्मों में संक्षिप्त किया गया 2013 में उन्होंने फिलोमेना फिल्म का सहलेखन निर्माण और अभिनय किया जिसने उन्हें गोल्डन ग्लोब्स और बाफ्टा में और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कारों में नामांकन दिलाया कुगन ने नाटकीय भूमिकाएं भी निभाई हैं जिनमें मैरी एंटोनेट दो हज़ार छह मैसी न्यू दो हज़ार बारह द लुक ऑफ लव दो हज़ार तेरह और द डिनर दो हज़ार सत्रह शामिल हैं स्टेन एंड दो 2018 में स्टेन लॉरेल की भूमिका के लिए उन्होंने एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार अर्जित किया बीबीसी ड्रामा द रेकनिंग दो में जिमी सेविल की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकन मिला प्रारंभिक जीवन और शिक्षा स्टीफन जॉन कुगन दो का जन्म चौदह अक्टूबर उन्नीस को मिडल्टन लंकाशायर में हुआ था तीन चार वे गृहिणी कैथलीन नी कूनन और आईबीएम इंजीनियर एंथनी टोनी कुगन के बेटे हैं पांच छह उनके चार भाई और एक बहन है सात और उनका पालम पोषण रोमन कैथोलिक में हुआ जिसे उन्होंने निम्न मध्यम या उच्च श्रमिक वर्ग परिवार के रूप में वर्णित किया जिसने शिक्षा के मूल्यों पर जोर दिया आठ उनके छोटे भाई ब्रेंडन कुछ महीनों के लिए टॉप गियर के प्रस्तुतकर्ता थे जबकि उनके बड़े भाई मार्टिन रॉक बैंड मॉक टर्टल्स के प्रमुख गायक बन गए कूगन की मां आयरिश हैं और काउंटी मेयो से हैं जबकि उनके पिता भी आयरिश वंश के हैं उनके पैतृक दादा दादी मार्गरेट काउंटी किलकेनी से और थॉमस कूगन काउंटी कॉर्क से एक दर्जी प्रथम विश्व युद्ध से कुछ समय पहले मैनचेस्टर में बस गए थे नौ दस 1950 के दशक के दौरान उनके दादा ने आयरिश आप्रवासियों के लिए एक डांस हॉल की स्थापना की आठ कुगन ने सेंट थॉमस मोर रोमन कैथोलिक प्राइमरी स्कूल और कार्डिनल लैंगली रोमन कैथोलिक हाई स्कूल में पढ़ाई की ग्यारह बारह उन्होंने कहा है कि उनका बचपन खुशहाल था और उनके माता पिता ने बच्चों को अल्पकालिक आधार पर पाला था तेरह वह अलक्रिंगटन में मैनचेस्टर न्यू रोड पर रहते थे चौदह और मई उन्नीस में पंद्रह उनके पिता कैथोलिक ग्रामर स्कूल के पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने सेल्फोर्ड रोमन कैथोलिक डायोसेसन स्कूल कमीशन द्वारा छठे फॉर्म को बंद करने के प्रस्ताव का विरोध किया जो नहीं हुआ श्रीलो उन्होंने उन्नीस सौ तिरासी में दो ओलेवल पास किए जो संभवतः दोबारा लिए जाने वाले परीक्षाएं थीं जब उनकी उम्र सत्रह वर्ष थी सत्रह उन्नीस में उन्होंने चार लेवल हासिल किए अंग्रेजी साहित्य ब्रिटिश सरकार और राजनीति कला और सामान्य अध्ययन अठारह उन्नीस उसी वर्ष उनके भाई केविन ने उसी स्कूल में नौ लेवल हासिल किए बीस और स्थानीय और क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया विशेष रूप से बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री दौड़ में इक्कीस उनकी सबसे बड़ी बहन ने पास के हॉपवुड हॉल कॉलेज में शिक्षिका बनने के लिए प्रशिक्षण लिया उद्धरण आवश्यक एक परिवार के रूप में यह माना जाता था कि सभी बच्चे शिक्षक बनेंगे आठ कुगन में प्रतिरूपण करने की प्रतिभा थी और वह नाटक स्कूल जाना चाहता था बावजूद इसके कि एक शिक्षक ने उसे सलाह दी थी कि यह एक अनिश्चित पेशे की ओर ले जा सकता है तेरह लंदन के विभिन्न ड्रामा स्कूलों में पांच असफल आवेदनों के बाद उन्हें मैनचेस्टर पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ ड्रामा में जगह पाने से पहले न्यू म्यूजिक थिएटर कंपनी में जगह मिली तेरह जहां उनकी मुलाकात भावी सहयोगी जॉन थॉम्सन से हुई कैरियर 1989 नवासी से 2002 एलन पार्टरिज के रूप में सफलता मुख्य लेख एलन पार्टरिज एलन पार्टरिज के किरदार में कुगन व्यंग्यात्मक आत्मकथा आई पार्टरिज वी नीड टू टॉक अबाउट एलन की प्रतियों पर हस्ताक्षर करते हुए कुगन ने अपने करियर की शुरुआत एक कॉमिक और इम्प्रेशनिस्ट के रूप में की थी जो टेलीविज़न विज्ञापनों और व्यंग्यात्मक कठपुतली शो स्पिटिंग इमेज के लिए एक आवाज कलाकार के रूप में काम करने से पहले इप्सविच में नियमित रूप से प्रदर्शन करते थे बाईस उन्नीस में उन्होंने मिस्टाई को श्रेय दिए गए एसिड हाउस रिकॉर्ड डोंट बिलीव द हाइप के लिए स्वर प्रदान किए दिसंबर 1988 में यह रिकॉर्ड इकतालीसवें स्थान पर पहुंच गया जो मुख्य चार्ट रंडाउन से बाल बाल बच गया उन्नीस में वे लंबे समय से चल रहे आईटीवी गेम शो द क्रिप्टन फैक्टर के ऑब्जर्वेशन राउंड में विशेष रूप से शूट किए गए स्केच की एक श्रृंखला में दिखाई दिए उन्नीस में कुगन ने लंबे समय के सहयोगी जॉन थॉमसन के साथ अपने प्रदर्शन के लिए एडिम्बर्ग फेस्टिवल फ्रिंज में पेरियर पुरस्कार जीता इस समय विकसित उनके सबसे प्रमुख पात्र पॉल काफ थे जो एक स्टीरियोटाइपिकल वर्किंग क्लास मैनचेस्टर निवासी थे और उनकी बहन पॉलिन जिसे कुगन ने ड्रेग में निभाया था रेडियो चार कॉमेडी ऑन द ओवर पर काम करते हुए कुगन ने निर्माता अर्माण्डो इनुची के साथ एलन पार्टरिज बनाया जो ब्रिटिश खेल प्रस्तुतकर्ताओं की पैरोडी थी कुगन ने पार्ट्रिज को लिटिल इंग्लैंडर के रूप में वर्णित किया जिसमें दक्षिणपंथी मूल्य और खराब स्वाद था तेईस वह सामाजिक रूप से अयोग्य है अक्सर अपने मेहमानों को नाराज करता है चौबीस और उसके पास महत्व और सेलिब्रिटी की फुली हुई भावना है पच्चीस कुगन के अनुसार पार्ट्रिज मूल रूप से एक एक नोट स्केची कैरेक्टर छब्बीस और फ्रीक शो था लेकिन धीरे धीरे एक बेकार अल्टर ईगो के रूप में परिष्कृत हो गया सत्ताईस उन्नीस में पार्ट्रिज ने एक स्पिम्फ रेडियो स्पूफ चैट शो नोइंग मी नोइंग यू विद एलन पार्टरिज की मेजबानी की ऑन द ओवर को उन्नीस में द डे टुडे के रूप में टेलीविजन पर स्थानांतरित कर दिया गया 28 इसके बाद उसी वर्ष बाद में नोइंग मी नोइंग यू आया 29 उन्नीस में कुगन ने बीबीसी के सिटकॉम एलन पाट्रिज में पाट्रिज के रूप में अभिनय किया जिसे कुगन यानुची और पीटर बेनहम ने लिखा था जो एक छोटे रेडियो स्टेशन के लिए काम करने वाले सड़क किनारे के होटल में पाट्रिज के जीवन पर आधारित था तेईस इसने दो बाफ्टा तीस अर्जित किए और इसके बाद 2002 में दूसरी श्रृंखला आई तेईस एलन पाट्रिज के बाद कुगन पाट्रिज से थक गए और उन्हें छोटी भूमिकाओं तक सीमित कर दिया इकतीस इकतीस बाद में उन्होंने कहा कि पार्टरिज एक बार अल्बाट्रॉस था लेकिन एक जर्जर आरामदायक पुरानी चमड़े की जैकेट बन गया था बत्तीस आलोचकों ने पार्टरिज की जटिलता यथार्थवाद और करुणा की प्रशंसा की है फेयर ने उन्हें एक ब्रिटिश राष्ट्रीय खजाना कहा तैंतीस और गार्जियन ने उन्हें पिछले कुछ दशकों की सबसे महान और सबसे प्रिय कॉमिक रचनाओं में से एक के रूप में वर्णित किया चौंतीस पार्ट्रिज को द इम्बिटवीनर्स नाइटी नाइट और पीप शो जैसी क्रिंग कॉमेडी को प्रभावित करने का श्रेय दिया जाता है पैंतीस 2001 में चैनल चार के एक सर्वेक्षण में पार्ट्रिज को 100 महानतम टीवी पात्रों की सूची में सातवें स्थान पर चुना गया था छत्तीस दोस्तों जैसा कि आपने डिटेल जाने लिए, मैं आपको बता दूँ कि तीन जुलाई दो को रिलीज हुई थी और यह नाइन्टी फाइव मिनट की टोटल है इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन आपको ये रीजनल लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगी डबिंग में और मैं आपको बता दूँ इसका जो टोटल बजट है लगभग सौ मिलियन था इसने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 245 मिलियन कमाई की है मतलब अपने से अपनी जो बजट है उससे 45 परसेंट ज़्यादा मतलब 145 परसेंट इसने कमा लिया है जो कि बहुत ही शानदार है और ये दोस्तों एनिमेशन वाली है तो आप पहले ही पसंद करते होंगे और कॉमेडी फिल्म है तो और ही शानदार है तो दोस्तों इसमें आ, एंटी प्लान एलिवेट एंजल गो अपने स्कूल लीसी फैन में पुनर्मिलन में भाग लेता है और वहीं अपने प्रतिद्वंदी मैक्सिमम मॉल के साथ फिर से मिलता है जिसका ग्रु के साथ झगड़ा है और उसे बचपन बचपन में उसके टैलेंट शो में से एक एक चुरा लिया था और वहीं से कहानी शुरू होती है और बढ़ती जाती है दोस्तों इसकी आवाज़ का कॉज किया है स्टीव केरल ने फैलोनीस ग्रू को और किस्टिवन बिगमैन लुइस वाइल्ड ऐसे कर करके इसमें बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट हैं दोस्तों आपको इसका जो प्रोडिक्शन है दो हज़ार सत्रह में शुरू हुआ था और अब तक चला आ रहा है तो हम थोड़ी डिटेल और जान लेते हैं दोस्तों आई होप आपने पूरी डिटेल जान ली होगी तो वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में